हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चले जब तू लटक पटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक तेरा को देखा है कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमो बेबी किकिकिट खाटू तेरी टिकिट टिकिट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लू तेरी विकेट विकेट जोरदार तालियां बादशाह पाजी के लिए। पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू पाजी, थैंक यू, और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, थैंक यू। स्मार्ट लग रहे हो आप हमेशा की तरह। थैंक यू पाजी, आप भी। ओ थैंक्स ब्रो, मैं ये सुना चाहता था, मैं तीन चार लाइनें बोल दी, पाजी ने बोला नहीं कुछ आगे से। नहीं पाजी, बहुत सही लग रहे हो, फिट भी हो गए हो। थैंक यू पाजी। बादशाह तुमने इतना अच्छा गाया ना, हाँ जी, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। पहली बार किसी को बुके दे रही है अर्चना जी, वाओ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाओ, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, सो स्वीट ऑफ यू अर्चना जी। ये आप इनके लिए लेके आएंगे, आपको कोई देके गया था, आपने आगे चिपका दिया। मैं पाजी मैं आपको बताऊं, ये फूल आपको महंगे पड़ सकते हैं। क्यों? फूल देके आपकी गाड़ी मांग सकती हैं। इन्होंने बहुत साल पहले एक आदमी को गुलाब का फूल दिया था, सारी उम्र के लिए उसको एज ए पति रख लिया। पाजी पर आप बड़े हैंडसम लग रहे हो यार। थैंक यू पाजी। आप हमेशा जूते इतने मजेदार पहन के आते हो ना, भारी भारी, महंगे महंगे। मेरे को तो कोई बोल रहा था, कहता भारी जूतों के साथ ही पाजी बड़ा तेज भाग लेते हैं। भाई प्रैक्टिस बहुत की हुई है ना, कॉलेज में प्रैक्टिस ही भागने की करी थी। लोगों को क्या पता हम कहां से आए हैं। कैसी रही पार्टी फिर पाजी? बढ़िया रही भाई। भाई मैं वैसे भी नॉर्मली पिछले दरवाजे से निकलता हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ बहुत। पाजी एक बात बताओ यार, ये जो आपने दाढ़ी का स्टाइल रखा है ना, बड़ा कमाल का है। अच्छा, इसको कितना टाइम जाता है पूरा खुरचने में? पाजी चला जाता है मतलब आधा एक घंटा। रोज? रोज तो करते नहीं है, मतलब आज कपिल शर्मा शो में आए तो आज पूरा टाइम लगाया पाजी। नहीं तो फिर आजकल मास्क पहन के रखते हो, कोई पता नहीं चलता किसी को क्या एक्चुअली, तो बच जाते हैं। कईयों के मुंह पे तो मास्क के निशान पड़ गए पता। हाँ एक्चुअली एक बार तो उस दिन केबीसी के सेट पे बच्चन साहब को किसी ने बोल दिया, कहते आपके मास्क का निशान, कहता ये मेरी दाढ़ी है। पाजी आप एक बात बताओ यार, मैंने कभी पूछा नहीं आपसे, आप हमेशा अपने सोशल मीडिया पे बैड बॉय बादशाह लिखते हो। हाँ। गानों भी मेंशन करते हो बैड बॉय बादशाह। हाँ। ऐसे कौन से बैड, आप तो बड़े प्यारे आदमी हो। पाजी वो तो जब स्कूल में थे तो शाय तरीके के थे, बोलते नहीं थे ज्यादा, तो पाजी जितनी भी लड़कियां थी सारे वो बैड बॉय टाइप्स लड़कों के साथ होती थी ना, जो बंक वंक मारते थे, तो हमने नाम रख लिया। मतलब तो वो एस्पिरेशन होती है ना कि ऐसा सा बनना है। हाँ। बन नहीं पाए पाजी, नाम रह गया बस वो। अगर आप गुड बॉय रहो जैसे। हाँ, आप वो ठीक रहते हो। हाँ। हाँ। क्यूट बॉय, गुड बॉय, स्माइलिंग बॉय, डांसिंग बॉय। नहीं लेकिन अंदर की खबरें ये है कि ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू वुमेन एंड अ थॉरो जेंटलमैन, हमने सुना। यस मैम, आई एम। तो हमने क्या आपकी चेन उतार ली थी, हमने रिस्पेक्टफुल है आपके लिए। तू तो सारे यहां मेरी क्या क्या करता है। वो तो मैं आपसे प्यार अंदर से आपको पता ही है। इतना थोड़ा थोड़ा कम प्यार कर ले, जितना तू अमृतसर वालों को प्यार करता है ना उतना कर ले मुझे। एक तो ना ये कुछ भी करके सिद्धू पाजी इनके दिमाग से नहीं निकलते। मेरे दिमाग से, तेरे दिमाग से। आप तो अमृतसर वाले और कौन है, आपका कौन रहता है उधर, आप तो देहरादून से हो। पहली बार मैंने पहल की है, वरना तू ही वो यादें बुलाता रहता है। भाई मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वो सिद्धू पाजी के घर गए थे। हाँ फिर क्या हुआ था, आपने देखी थी वीडियो? कैसा कैसा रहा, क्या? हाँ, क्या हुआ? बहुत बढ़िया रहा। हाँ। और बड़ा कहते यार मैं इतना बड़ा हूँ, मैं रोता हूँ अच्छा लगता, पर वो लेडी आगे बैठ गई। पाजी मेरा कभी ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि आपसे कभी मुलाकात हो, आज पहली बार मिल रहे हैं। हालांकि मुझे याद है एक बार ना 2007 में आप लुधियाना में आए थे। हाँ जी। न्यू ईयर के मौके पे ही, वो भी नए साल का मौका था, तो
तो आपके आने से पहले हम वहाँ पे हम भी कर रहे थे कुछ परफॉर्म तो लेकिन जैसे आप आए फिर इतने धक्के पड़े कि हम आपको देख ही नहीं पाए. फिर आप स्टेज पे आके या तो अपना परफॉर्म करके निकल गए, हमें मिलने का मौका नहीं मिला. लेकिन हाँ, भगवान ने ऐसे आज ही मिलाना था. वेरी नाइस टू मीट यू बडी. थैंक यू पाजी. प्लेजर पाजी. प्लेजर पाजी. हाँ जी. तारे गिन गिन आज तेरी. पाजी कितने साल हो गए इस गाने को? 20 साल तो हो गए. 20 साल हो गए और आज भी कोई ऐसी शादी नहीं होती, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो रही हो, चाहे गुजरात की शादी हो चाहे पंजाब की हो, ये गाना बचता ही बचता है हमेशा. पाजी क्या बात भैया. और अच्छा ध्यान से देखो ना अर्चना जी आप, तो इसके लिरिक्स आप अगर देखो, तारे गिन गिन याच तेरी, मैं ता जागा राता नू, देखो तो थोड़ा सैड सॉन्ग है. और आपने सैड सॉन्ग पे लोगों को नचा दिया. थोड़ा नहीं, बहुत ही सैड है. सबसे सबसे सैड पंजाबी सॉन्ग मेरे ख्याल में यही है. ओह माय गॉड. सबसे ज्यादा लोग इसी पे नाचते हैं और वो भी शादियों पे नाचते हैं. एक्चुअली वो बताता कि शादी के बाद क्या होने वाला है. पर पाजी क्या कहानी है इसके पीछे की? देखो मैंने मेलोडी, मैं कंपोजर हूँ, मेलोडी पहले बना लेता हूँ. अच्छा. और वर्ड्स बाद में हम थोड़ा घुसा देते हैं. अच्छा. तो कुमार जी हैं, बहुत ही आप जानते होंगे उनके, बहुत अच्छे राइटर हैं बॉम्बे के. जी जी कुमार. और मेलोडी मैंने पहली बार उनको, मैं फ़ोन पर बात हुई थी कि मिले नहीं थे. अच्छा जी. तो मैंने सोचा नए राइटर है, थोड़ा धीरे धीरे इनको समझाता हूँ. अच्छा. तो मैंने बोला ना 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 ना, ऐसे मैं ये टेम्पो पर उनको समझा रहा था. तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत स्लो सॉन्ग है, बहुत सैड लगता है. उन्होंने वैसे लिरिक्स लिख दिए और मेरे पास टाइम सिर्फ एक दिन का था. अच्छा. तो मैंने वैसे ही गा के, मैंने बोला यार बहुत अच्छी तरह बैठ रहे हैं गाने के अंदर. तो रिकॉर्ड करके हमने भेज दिया और 3 महीने उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया. उन्होंने यही बोला कि सुखबीर पाजी ने तो मेरा गाना ही ख़राब कर दिया. तो फिर जब गाना थोड़ा कमर्शली चला तो फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया. फिर आपने उठाया? मैं तो उठा लेता हूँ सबका फोन. क्या बात है भाई. भाई आपको जब भी हमने देखा आप हमेशा काले चश्मे में होते हो. हाँ. तो आपको डर होता है कि कहीं किसी से आंखें मिल गई तो प्यार ना हो जाए, ऐसा वाला सीन है? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है. ये मेरा एक इमेज बन गया था. और मैं शायद आपको पहले भी मिल चुका हूँ पर आपने मेरे को पहचाना नहीं होगा. कब? जब बिना चश्मे के हम ऐसे ही पास हो गए थे. आज मैं जब आया आप ऐसे आए पाजी, किसी गलती आने पाजी थोड़े गाने देखे. तो ओ मेरी इट वर्क्स टू माय एडवांटेज. सो मैं निकल जाता हूँ, इनको पिछली गली से निकलना पड़ता है. अच्छा. मैंने अभी नोटिस किया पाजी. थैंक यू. बादशाह भाई, पाजी की स्माइल बड़ी अक्षय पाजी जैसी है ना. हाँ हाँ हाँ. और फिट भी आप इतने हो. पिछले 3 महीने से एक आदमी मेरे को मिल गया, उसने पूरा जैसे आपका पूरा हुक्का पानी बंद किया हुआ ना. जी. उसने मेरा भी किया हुआ है. सो नहीं, बहुत अच्छी बात है पाजी. थोड़ा सा मैं हो गया था ऐसे टाइम्स में, मैं थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील. अच्छा बादशाह भाई, मैं आपसे पूछने वाला था कि नाम तो आपका बादशाह है. हाँ जी. तो जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो बादशाह तब भी बादशाह था कि रामू काका बन गया था? घर के काम तो सभी कर रहे थे ना भाई. घर पे तो सारे रामू काका होते हैं. वो तो मतलब वो तो कोई दोहराए वाली बात है. पॉइंट अच्छा है. घर के काम कर रहे थे भाई. और तो आप चंडीगढ़ में थे उस समय? चंडीगढ़ में बहुत काम किया. बहुत काम किया. आप जैसे अच्छे अच्छे बड़े लोग फिट हुए हैं. मैंने भाजी, मैं अनफिट हुआ हूँ बहुत ज्यादा. भाजी पर आप बड़े क्यूट लगते हो. मेरे को नहीं लगता कि आपको कभी मतलब आप सोचो ऐसा. भाई मैंने ना ये मैं चलो ठीक है अच्छी बात है, बहुत क्यूट लग लिया. मैंने थोड़ा हॉट लगना है. क्यूट 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 के चक्कर में भाई उम्र हो जाएगी पूरी. मैं भी भाई एक बार हॉट लग के देखूं. अच्छा भाजी, जब आप स्कूल में जाते थे कॉलेज में. हाँ जी भाजी. तो लोगों ने कहा नहीं कि आप बादशाह बादशाह हो? कहाँ के बादशाह हो? सच्ची बात बता दो, मैं बब्बू मान पाजी से पहली बार मिला. अच्छा. तो किसी ने मिलवाया. अच्छा. कि पाजी ये बादशाह. अच्छा कितों तो बादशाह तू? म्यूजिक दबा. नहीं बट बहुत प्यार से मिले भाजी हो और बहुत कुछ सीखने को मिला. भाजी रख लिया नाम. मैं आपको बताइए, शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. फिर जब मैं अपने लिए स्टेज नेम ढूंढ रहा था तो बादशाह फिल्म आई थी उस टाइम के अराउंड. तो मैं सोचा यार अच्छा नाम रख लेते हैं. तो जब नाम अच्छा रख लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैवी हो जाती है. फिर उसको लिव अप करने के लिए बंदा कर ही लेता है काम. भाजी जो आपने किया भाजी, आई अपलॉड. नहीं नहीं, थैंक यू भाई. सो प्राउड ऑफ यू भाजी. थैंक यू भाई. आयो पाजी बैठ जाओ यार, मैं तो भूल ही गया, सॉरी. आइए प्लीज, जोरदार तालियां सुखबीर पाजी और बादशाह पाजी के लिए. थैंक यू पाजी. जब आप लास्ट टाइम आए थे बादशाह पाजी, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके गाने का कोई पोस्टर आता है ना, और आप एक तो खुले खुले कपड़े पहनते हो और ऐसे खड़े होते हो, आपके पीछे जो आपके साथ तब आए थे तनिष्क बागची, तो वो बड़े दुबले पतले हैं. मैंने कहा ये तो वैसे ही पीछे छुप जाते हैं. लेकिन इस बार जो हमने आपका पोस्टर देखा हॉट लौंडे का, उसमें देखा सारे आगे खड़े और आप पीछे बैठे हुए हैं. तो ये मतलब ये कहीं से आप वहीं से आइडिया तो नहीं आया आपको? नहीं 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 पाजी. पाजी पॉइंट ये था, उसमें दो नए लड़के हैं पाजी, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ. अच्छा जी. एक का नाम है 47. हाँ जी. 47. 47.
47 बंदे हैं? नहीं, उसका नाम बंदे का नाम 47 है? लड़के का नाम 47 है भाई। वेस्ट का साइज हो गया सर। नहीं, बड़ा पतला है वो तो। अच्छा, एक 47 है, एक है बाली। तो दो नए लड़कों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि लेट देम बी द फेस, तो इसलिए उनको आगे रखा भाई। सो स्वीट, वेरी नाइस। अजीम ने एक बात और सुनी आपके बारे में, कहते पहले आपका मन था पायलट बनने का। हाँ जी, बहुत बहुत मन था। फिर क्या हुआ फिर? तो हम बहुत सिंपल सी फैमिली से आते हैं, और तब केन्या में रहते थे, और पिताजी गुरुद्वारे में कीर्तन करते थे, और हमारा बहुत बेसिक सा काम था। और पिताजी ने बोला सपोर्ट करेंगे, आप फाइंड आउट करके आओ कि क्या उस कितना होता है। तो उस टाइम में 51,000 केन्यन शिलिंग्स लगते थे। अच्छा जी। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पाए थे, सो वो सपना थोड़ा मैंने होल्ड पर कर दिया था। फिर बाद में जाके लंदन में मैंने थोड़ी अपना खरीदा जहाज। हाँ जी, बाद में अपना खरीदा। नहीं, ये पहले खरीदेंगे फिर मैं खरीदूंगा। तो मैंने 18 घंटे किए सोफा। अच्छा। सिंगल इंजन सेसना एक प्लेन होता है जिसमें सिर्फ दो लोग ही बैठते हैं, तो शायद आप बैठ सकेंगे, आप भी शायद बैठ। मैं नहीं बैठ पाऊंगा। बच्चा भाजी, मैं आपकी चैट देख रहा था यार, गुरु जी के साथ, श्री श्री रविशंकर जी के साथ। हाँ। बड़ी मजेदार आपने उसमें रैप बड़ा वो मजेदार सुनाया था भाजी, वो सुनाओ ना चार लाइनें प्लीज। आपने भी बोलना है, इसको जरा गा के सुनाओ। पता क्या आपको ये किस्सा? तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो सब आर्टिस्ट जो हैं, बहुत सारे मैंने भी किया। कैसा साल गया यार, समझ। हाँ, वाकई ये साल कटा है कि साल ने हमारा काटा है पता नहीं चला। ये एक्चुअली ना गुरुजी के साथ, श्री श्री रविशंकर जी के साथ, अर्चना जी तो फॉलोअर हैं उनकी, और Absolutely, yeah. और बादशाह बाजी की चैट चल रही थी उनके साथ, तो गुरुजी ने कहा कि आप कुछ सुनाए, आप सिंगर हैं, गाना। तो उन्होंने रैप सुनाया अपना, बड़ा खूबसूरत था, उसकी वर्डिंग बड़ी खूबसूरत थी। और जब खत्म हो गया तो उसके बाद कहते इसको गा कर सुनाए। पर वो बड़ी अच्छी, इन्होंने गुरुजी के हिसाब से देख के उनकी पर्सनालिटी को, हाँ, वैसा वाला एक रैप सुनाया था, बड़ा खूबसूरत। अच्छा, था पाजी, वो एक फिल्म आई थी अजय देवगन सर के, शिवाय जी, तो उसका टाइटल ट्रैक में उन्होंने कहा था कि कुछ रैप करना है, तो मिथुन सर ने उसका म्यूजिक बनाया था, और उसका रैप कुछ ऐसे था, ना आदि ना अंत है उसका वो सबका, ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का, जंतर मंतर तंत्रयामी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी, भांगद तूरा बेल का बत्ता, तीनों लोक इसी की सत्ता, विष पीकर भी अडिग अमर है महादेव, हर हर है जपता, वही शून्य है वही इकाय, वही शून्य है वही इकाय, वही शून्य है वही इकाय, जिसके भीतर बसा शिवाय। जय हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन मैन, क्या बात है। बादशाह भाई, एक ना जनहित में एक एक आपसे मैंने काम करवाना चाहता हूँ। जी भाई, जैसे आप रैप गाते हो तो आपकी अच्छी कमांड है शब्दों के ऊपर जी, पर वो कभी कभी आपने देखा म्यूचुअल फंड की जब ऐड आती है तो उसके लास्ट में जो मेन बात होती है ना वो बड़ी फटाफट चला देते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के दिन है, कृपया निवेश करने वाले सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। असल में वो ये बोलते हैं, हाँ वो लाइन होती है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। हमें सुना इतनी फास्ट वाइज है कि हमसे धीरे बोला नहीं जाता। तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ। कि सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। हाँ। आप एक बार अगर इसको रैप में गा देंगे ना, हाँ, तो लोगों को याद हो जाएगा ये। म्यूचुअल फंड निवेश, हाँ, बाजार जोखिम के अधीन है, निवेश करने से पहले सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। करते भाई ट्राई एक बारी। नहीं, सही चीज है भाई, मतलब मेरे को भी ना जैसे मैसेज आते हैं कि यार आप गाना गाते हो, बच्चे सारा टाइम ये लड़की पागल है मतलब रट जाता है, तो कहते बायोलॉजी का एक चैप्टर ही गा दिया करो। पेपर ऊपर से पहले निकाल दिया करो। भाजी बीट दो एक। ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, निवेश करते समय सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से सारे दस्तावेज पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से पढ़। इशू ओए बादशाह, ओह क्या बात है भाजी, थैंक यू सो मच, बट ध्यान से पढ़ ले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.